मुरादाबाद मुंडापाड़े थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ अरुण ने बनाए शारीरिक संबंध। शारीरिक संबंध बनाने के बाद अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी। महिला ने एसएसपी को शिकायत की है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मुरादाबाद के मुंडापाड़े थाना क्षेत्र का है। बीते दिनों मुंडापाड़े थाने क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के घर में घुसकर अरुण ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद महिला का आरोप है कि उसका अश्लील वीडियो बना लिया और अरुण अश्लील वीडियो को वायरल करने की लगातार महिला को धमकी दे रहा है, जिसकी शिकायत महिला ने मुंडापाड़े थाने पर इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद आज पीड़ित महिला ने मुरादाबाद एसएसपी हेमराज को शिकायती पत्र देते हुए आरोपी युवक के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मुंडापाड़े से अब्दुल वाजिद। मामला यह है कि गांव का जो लड़का है करुण कुमार, उसने मेरे साथ 16 अगस्त 2022 को घर में घुस के मेरे साथ में बलात्कार किया था, मेरी वीडियो वगैरह बनाई थी और वायरल करने की धमकी दी थी, और जिसकी उसके बाद फिर हमने जो शिकायत करी, रिपोर्ट लिखाने गए थे हम मुंडापाड़े थाने, तो वहाँ नहीं, हमें भगा दिया गया, मतलब नहीं सुना हमारी कोई बात। फिर हमने जैसे तैसे कई महीने चक्कर यहाँ काटने के बाद एसपी कार्यालय बार बार आए हम लोग, बार बार यहाँ पर एप्लीकेशन इधर उधर सब किया, तब बड़ी मुश्किल से हमारा कोर्ट से जो है मुकदमा लिखा गया, और वो लिखने के बाद भी थाने में जैसे ही वो चीज़ पहुँचती है तो थाने में मामले को ऐसे किया जाता है, दबाया जा रहा है, मुझे परेशान करते हैं, मेरे को बार बार बुलाती हैं और मेरे को परेशान करती हैं। क्या करता है, कौन से गांव का है? गांव हरसैनपुर का ही है वो। मैं बताता हूँ, हरसैनपुर का, हरसैनपुर का थाना मुंडापाड़े। थाना मुंडापाड़े में चाह क्या रहा है वो, पहले तो वो आए दिन घर में घुस के बदतमीजी करता था, फ़ोन पे गंदी बातें करता था, बहुत रोकने की कोशिश की, नहीं वो माना, उसका भी एक मुकदमा हमने किया था, तो दूसरी अगली बार ये 16 अगस्त को आया है और इसने उस घटना को अंजाम दिया है जो वो हमेशा कहता था, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास जो उसने मेरे से ऐसी बात कही है। सब कुछ होने के बाद भी कोई हमारी सुनवाई नहीं है, परेशान करके रख रखा है, बस उल्टा थाने में हमको बुलाते हैं, टॉर्चर करते हैं, मुझे बार बार परेशान करते हैं, धमकाते हैं कि, और वो सोचते हैं कि ये कैसे ही करके उल्टा सीधा कुछ भी, मतलब मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे आज एसपी साहब से मिले हैं तो यही चाहते हैं उसकी गिरफ्तारी हो, और ये जो थाने में हमारे उल्टा हमारे खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं उनको बंद करके मुझे न्याय मिले। वीडियो क्या बनाई थी उसने, किस तरह की वीडियो बनाई? जो मेरा बलात्कार किया उसकी वीडियो उसने बनाई है अपने घर पे आपकी अश्लील। क्या नाम आपका? मनोज कुमार। मैं क्या घटना हुई है? घटना ये है, ये मेरी पत्नी है, घर पे जो है ना मेरा बच्चा छोटा, मतलब जो 4 साल का बच्चा है, और ये है, ये दोनों रहते हैं, मेरा तो काम से इधर उधर आना जाना रहता है, मैं था नहीं। तो 16 अगस्त की घटना है लगभग 4:30-5 बजे के आसपास की, तो वो घर में मौका देख के जो घर में घुस गया। कौन घुस गया? अरुण कुमार, वो रिश्ते का, मतलब जो है मेरा मामा, मेरा भाई भी लगता है, तो आना जाना वैसे परिवार का तो हमारा रहा है पहले से, वो नहीं, लेकिन जो है ना इस पे गलत नज़र बहुत दिनों से थी उसकी, तो इस तरह से जो है ना उसने फ़ोन पर भी बहुत बार धमकियाँ दी हैं इसे, उल्टी सीधी घर में भी घुस के इसके साथ छेड़छाड़ बदतमीजी करी है कई बार, लेकिन इस इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना को ये अंजाम दे देगा। लेकिन इस तरह से वीडियो नहीं थी, क्या कर रहा? उसने जब इसके साथ बलात्कार किया है उसके बाद जो है ना उसने वीडियो बना ली उसके फोटो कि अगर ये हमने किसी को बताया, हमने इसकी जानकारी किसी को या किसी को बताया तो हम मतलब वो वीडियो वायरल कर देगा। तो रात भर तो हमने ये सोचा हम करें क्या, लेकिन फिर भी जो है दिल ने यही गवाही दी कि हम मतलब जो थाने जाएं अपने लिए न्याय लें। तो हम सुबह जब थाने गए तो थाने में से भी हम भगा दिए, 3-4 दिन लगातार यही साथ हमारे साथ चला। फिर हम 20 तारीख को यहाँ पर आए एसएसपी के, हमने यहाँ पर एप्लीकेशन दी, लेकिन यहाँ से भी ऐसे चलता रहा कहानी। फिर 29 तारीख को हम फिर यहाँ पेश हुए, हाँ मुकदमा लिखा हुआ, गिरफ्तारी नहीं कर रही, उसमें जो उल्टे सीधे बयान लगा के जो है ना गवाहों के, और उसको जो है ना केस को बंद कराना चाह रहे हैं। क्या काम करता है ये? कुछ नहीं करता, इसका तो यही काम उल्टा सीधा, मैं हमारे परिवार का मैटर है, तो मैंने इस बहुत बार इसके बाप को समझाने की कोशिश करी, मैंने कि अपने लड़के को इस तरह समझाओ, बोले कोई बात नहीं, सब कमा रहे हैं, ये अकेला जो है अगर ऐसी हरकत कराए भी तो कोई हम हैं तो संभालने वाले, तो इस अब बस यही चाहते हैं कि बस इसे न्याय मिल जाए, उसकी गिरफ्तारी हो जाए। जो ये उल्टी सीधी जो है उसमें FIR लगा रहे हैं, जो महिमा चौधरी हैं वो मुझे ही परेशान कर रही है, मुझे भी काम नहीं करने देने ठीक से, और इसे भी मतलब परेशान कर रही, बार बार बुला के हमें टोड़ते धमका रहे हैं। ऐसा ही है मुंडापाड़े की जी।